आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का पिज्जा। इसके लिए सबसे पहले हम पिज्जा का डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। इसमें हम 1.5 कप मैदा डालेंगे, 1/2 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें हम अब 4 चम्मच दही डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसे गूंथेंगे। देखिए ये अच्छे से गूंध गया है। अब हम इसमें अच्छे से तेल लगा देंगे। अब हम कुछ देर के लिए इसे रख देंगे। अब हम पनीर की तैयारी करेंगे। पहले हम पनीर काट लेंगे। अब हम इसमें सारा मसाला डालेंगे। अब डाल देते हैं थोड़ा हल्दी, काला नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मिक्स हो चुका है, इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम सब्जी काट लेंगे। अब हम शिमला मिर्च काट रहे हैं। अब टमाटर काटेंगे। अब हम प्याज काट लेते हैं।
जो हमने डो के लिए आटा रखा था उसे हम गूंद लेंगे। इसे हम अच्छे से मसल मसल के गूंद लेंगे। देखिए ये अच्छे से गूंद चुका है। इसका हम तीन डो बना लेंगे। इसे हम हाथों से फैला लेते हैं। आप चाहे इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। ये अब अच्छे से फैल चुका है। एक प्लेट ले लेंगे, उसमें तेल लगा देंगे। डो को इस प्लेट में रख देंगे। डो के ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा देंगे। कांटे वाले चम्मच से इस तरह कर देंगे। अब हम मैरिनेट करने के लिए जो पनीर रखा था उसे फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई चला देंगे रीहीट होने के लिए। अब हम इसमें इंस्टेंट डालना है। यदि आपके पास ना हो तो कटोरी या प्लेट पलट के डाल देंगे। अब हम पिज्जा का टॉपिंग करेंगे। अब हम पिज्जा सॉस लगा रहे हैं, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। शेजवान सॉस, ये भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर चीज़ डालेंगे। इस पर अब हम पनीर डालेंगे। अब हम इस पर सब्जी डालेंगे। ऊपर हम फिर से चीज डाल देंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब हमारा पिज्जा पक चुका है।
लो हो गया मेरा पिज्जा तैयार। कैसा लगा आपको ये पनीर टिक्का पिज्जा, खाके कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।